सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल सक्सेस इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए रोज़ाना की तरह करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स। 5 मार्च के टॉप करंट अफेयर्स हैं, आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में विश्व हेयरिंग दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व हेयरिंग दिवस मनाया गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, बहरेपन की हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च को विश्व हेयरिंग दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2020 के विश्व हेयरिंग दिवस का थीम है, हेयरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हेयरिंग लॉस लिमिट यू। WTO के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म में विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनोम। दूसरा है, हाल ही में जम्मू के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? सही आंसर भारत माता चौक। तीसरा है, हाल ही में जारी फाइड विश्व शतरंज रैंकिंग में कोनेरू हम्पी का स्थान है, क्या स्थान है? सही आंसर है 2, दूसरे पे। फाइड के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व शतरंज महासंघ, स्थापना हुई 20 जुलाई 1924, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष हैं आर्गडी डेवरकोविच। चौथा है, हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। FIH के बारे में देखते हैं, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, स्थापना हुई 7 जनवरी 1924, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष नरेंद्र वत्रा। बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री हैं सोफी बिलमेस। पांचवा है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ओप्पो ने। ओप्पो चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, 2001 में स्थापना हुई, अध्यक्ष हैं इसके 2001 में इसकी स्थापना हुई है, अध्यक्ष हैं इसके चेन मिंगयोंग। छठा है, भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ? सही आंसर ऋषिकेश। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ है। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, स्थापना 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 71 सीटें हैं। सातवां, फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? संतोष गंगवार, इन्होंने फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं भारत सरकार के। आठवां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी की बैठक की अध्यक्षता कौन देश करेगा? सही आंसर चीन। यूएनसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, स्थापना हुई इसकी 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसकी अध्यक्षता चीन करेगा। चीन के बारे में, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है, राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी युआन करेंसी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नौवा, किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई है? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में। दसवां, दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सही आंसर नई दिल्ली में। 11वां, NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया?
सही आंसर कोलकाता। कोलकाता में NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है कोलकाता में। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थापना 1986, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक अनूप कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 295 सीटें हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 12वां, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर MA यूसुफ अली। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने MA यूसुफ अली। 13वां, भारत ने किस देश के साथ 40 मिलियन $40 के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ 40 मिलियन $40 के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। 14वां है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ? सही आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3री बार बने हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली की लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।